कंपनी ऑडिट स्टार्ट किया था, फर्स्ट सेक्शन पढ़ना स्टार्ट किया था और फर्स्ट सेक्शन थी धारा 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से संबंधित थी, है ना। सेक्शन का नाम था कि ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है वो एजीएम में की जाएगी, वार्षिक साधारण सभा में की जाएगी, है ना। अगर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कहाँ की जाएगी, तो वार्षिक साधारण सभा में की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? तो ऑडिटर के जो अंशधारक है, शेयर होल्डर्स, उनके द्वारा की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में हमने कंपनियों के हिसाब से देखा कि सरकारी कंपनी में कैसा होता है और गैर सरकारी में कैसा होता है। तो सरकारी में जो सेक्शन है वो 139(7) और (5) ध्यान में रखना है। 7 में फर्स्ट ऑडिटर है और 7 में है ना, और 5 में कौन सा है? सबसिक्वेंट है। 7 में फर्स्ट है और 5 में सबसिक्वेंट है। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट में मैंने बताया था कि भाई फर्स्ट ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है वो सीएजी के द्वारा की जाएगी, रजिस्ट्रेशन के कितने दिनों के भीतर भीतर? विद इन 60 डेज, और अगर असफल हो जाए तो 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में करेंगे, और फिर उसके बाद में 60 डेज में शेयर होल्डर्स करेंगे, ठीक है। अब कोई भी अपॉइंटमेंट करें लेकिन रहेगा कब तक? फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक रहेगा। ये हमने फर्स्ट ऑडिटर के बारे में पढ़ा। फिर सब्सिक्वेंट में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वित्तीय वर्ष स्टार्ट होगा, उस वित्तीय वर्ष स्टार्ट होने के विद इन 180 डेज आपको ध्यान में रखना है, है ना, विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फिनेंशियल ईयर। तो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिनों के भीतर भीतर सरकारी कंपनी के अंदर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाएगी, और वो रहेगा कब तक? जो भी नेक्स्ट एजीएम आएगी, जो भी अगली वार्षिक साधारण सभा आएगी, उसके कंक्लूजन तक रहेगा, उसके निष्कर्ष तक रहेगा। ये सरकारी कंपनी में बाद के अंकेक्षक है, ठीक है। लेकिन आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछे कि भाई सरकारी कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो सीएजी करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कितने दिनों के भीतर करता है, है ना। तो मैंने तो खाली ऑडिटर बोला है ना, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट या सरकारी कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कितने दिनों के भीतर भीतर की जाती है? तो आपको सबसिक्वेंट का रेफरेंस देना है जब तक फर्स्ट ऑडिटर नहीं बोले, है ना। तो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिनों के भीतर भीतर अपॉइंटमेंट की जाएगी, लेकिन मैं फर्स्ट बोलू तो आपको 60 डेज आंसर देना है। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का। ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं देना है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में तो देखो लास्ट होता है कि हमने क्वेश्चन को पढ़ा और हमने अगर इतनी बढ़िया तैयारी कर रखी है, इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है, कुछ भी नहीं देगा आपको, सीधा सीधा बोलेगा सरकारी कंपनी में ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी करता है। क्वेश्चन को स्पेसिफिक बनाना है तब वो लिखेगा ऊपर पूरे क्वेश्चन में कि यदि सीएजी निर्धारित समय में नहीं कर पाता है तो ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेगा, है ना। तो जो प्रोविजन है वैसे ही चलेंगे, फिर आपको आंसर आगे बढ़ाना है, वो क्वेश्चन को स्पेसिफिक बनाएगा, है ना, वैसे चलना है। तो इसमें लिखो सब्सिक्वेंट में खाली स्टार्ट ही करवाया था ना, 139(5), इसमें लिखो प्रत्येक वित्तीय वर्ष, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने की, प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की 180 दिनों के भीतर भीतर, 180 दिनों के भीतर भीतर अंकेक्षक के नियुक्ति, अंकेक्षक के नियुक्ति
सीएजी के द्वारा की जाएगी, सीएजी के द्वारा की जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऐसा अंकेक्षक अगली वार्षिक साधारण सभा के, ऐसा अंकेक्षक अगली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक रहेगा, अगली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक रहेगा। तो क्या हम इससे ऐसा कह सकते हैं कि भाई सरकारी कंपनी में जो ऑडिटर की नियुक्ति है वो प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए की जाती है, हर एक साल में देख लो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है ना, प्रत्येक वित्तीय वर्ष, मतलब क्या हो गया कि हर वित्तीय वर्ष स्टार्ट होगा उसके 180 दिनों के भीतर भीतर आपको ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है, जो कहां तक रहेगा उस वित्त वर्ष की एजीएम से संबंधित अगली वार्षिक साधारण सभा की संबंध में। फोन ऑफ कर दे मेरे भाई, इसमें वही लिखा हुआ है जो मैंने लिखा है ना, ठीक है। एक होता है स्मार्ट, एक होता है ओवर स्मार्ट। स्मार्ट हमेशा सक्सेस होते हैं, ओवर स्मार्ट है ना, इसमें वही लिखा है जो मैंने लिखा है। समय हो गया मुझे, समझते हो, समय हो गया, ठीक है। ये तो अपन घर पे भी कर लेंगे, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो, कौन सी कंपनी है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गैर सरकारी की बात कर रहे हैं। और जो तुम फाइल देख रहे हो ना वो अभी अपडेट नहीं है, मैं बताता हूं सही जगह पे कहां देखोगे। गैर सरकारी कंपनी, गैर सरकारी कंपनी या अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है ना। और खाली अगर कंपनी शब्द लिखता है तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, गैर सरकारी की बात कर रहे हैं। खाली अगर कंपनी का मतलब गैर सरकारी की बात कर रहे हैं। इसमें भी हम दो तरीके से देखते हैं, एक फर्स्ट ऑडिटर की बात करेंगे, प्रथम अंकेक्षक की, और नंबर सेकंड हम बात करेंगे सब्सिक्वेंट की बात करेंगे, बाद की अंकेक्षक की बात करेंगे। ये फर्स्ट ऑडिट है, ऑडिटर है, और नंबर सेकंड है सब्सिक्वेंट बाद के अंकेक्षक, बाद की अंकेक्षक, ठीक है। अब यहां पर सेक्शन आपको ध्यान में रखनी है, ये जो स्टार्ट है सेक्शन, ये है 139 से स्टार्ट करके 1 और 1 से लेकर 4 तक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, स्पष्टीकरण यहां दे रखा है। 5 में सब्सिक्वेंट ऑडिटर है गवर्नमेंट कंपनी का, सरकारी कंपनी का है ना। और उसके बाद में 6 के अंदर फर्स्ट ऑडिटर है इन द केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो 139 सबसेक्शन 6 है ना। और सबसेक्शन 7 किसकी है, वो है गवर्नमेंट कंपनी के अंदर फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के संबंध में। तो ये सेक्शन आपको ध्यान में रखनी है। अब फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट गैर सरकारी कंपनी में देखो किस तरीके से की जाएगी। गैर सरकारी कंपनी में तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने के 30 डेज का प्रोविजन ध्यान में रखना है कि 30 दिनों के भीतर भीतर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, संचालक मंडल, इस संचालक मंडल के द्वारा की जाएगी है ना। और संचालक मंडल के द्वारा कौन सी मीटिंग में की जाती है, बोर्ड मीटिंग में की जाती है। 30 डेज का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ये बाद में बांटा करो यार, है ना, या तो पहले ही बांटा करो, बाद में बांटा करो, और गेट बार बार मत खोला करो। कितने दिनों के भीतर भीतर, 30 डेज के भीतर भीतर है ना। किसके द्वारा की जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। कौन सी मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर असफल हो जाता है,
अपॉइंटमेंट करने की, तो उसका आपको नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है 90 डेज का कॉन्सेप्ट है। अगले 90 दिनों के भीतर भीतर किसके द्वारा अपॉइंटमेंट की जाएगी? शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाएगी। अब ये जो शेयर होल्डर अपॉइंटमेंट करेगा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये कंपनी नई है ना, फर्स्ट ऑडिटर है तो कंपनी नई है, तो इसका पहला वित्तीय वर्ष समाप्त होगा उसके बाद में ही तो एजीएम होगी, तो इस एजीएम में तो ऑडिटेड खाते रखने हैं, तो इससे पहले ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है, तो फर्स्ट एजीएम से पहले अपॉइंटमेंट हो रही है तो एजीएम तो हो नहीं सकती, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंटमेंट की जाएगी। और फर्स्ट ऑडिटर रहता कब तक है? जो कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, पहली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक रहने वाला है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑडिटर इन द केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, पहला रजिस्ट्रेशन के कितने दिनों के भीतर भीतर अपॉइंटमेंट की जाती है, तो 30 डेज का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, 30 दिनों के भीतर भीतर, और फिर उसके बाद में नहीं कर पाए तो अंशधारकों के द्वारा कितने दिनों के भीतर? 90 दिनों के भीतर भीतर अपॉइंटमेंट की जाएगी। अब दोनों में से कोई भी अपॉइंटमेंट करे लेकिन रहेगा कब तक? फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक रहेगा, पहली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक। तो हेडिंग तो लगा ली होगी गैर सरकारी, है ना, गैर सरकारी में लिख लो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति, तो इसमें डैश करके लिखो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के भीतर भीतर, 30 दिनों के भीतर भीतर संचालक मंडल के द्वारा, संचालक मंडल का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल के द्वारा बोर्ड सभा में, बोर्ड सभा में नियुक्ति की जाएगी, बोर्ड सभा में नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो संचालक मंडल के असफल होने पर, संचालक मंडल के असफल होने पर अगले 90 दिनों के भीतर भीतर, अगले 90 दिनों के भीतर भीतर अंशधारकों के द्वारा असाधारण सभा में नियुक्ति की जाएगी, असाधारण सभा में नियुक्ति की जाएगी। फिर लाइन चेंज करके लिखो ऐसा अंकेक्षक प्रथम वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक रहेगा। कहां तक रहेगा? प्रथम वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक रहेगा, है ना। तो एक बार रिपीट कर देता हूं कि स्टार्ट करना है 139 सबसेक्शन 6 से। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा उसके रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के भीतर भीतर, 30 दिनों के भीतर भीतर संचालक मंडल के द्वारा
ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी, है ना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग को कहते हैं बोर्ड मीटिंग, उस बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट होगी। फिर नंबर सेकंड, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किन्हीं कारणवश असफल हो जाए तो आगे 90 दिनों के भीतर भीतर अंशधारकों के द्वारा असाधारण सभा यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट की जाएगी। और दोनों में से कोई भी अपॉइंटमेंट करें रहेगा कब तक? पहली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक। और हम पहली वार्षिक साधारण सभा कहां तक रखते हैं? जो पहला वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 9 माह के भीतर भीतर रखते हैं। लेकिन ये उस 9 महीने के खातों की ऑडिट नहीं करता है, ये तो जो वित्त वर्ष समाप्त हुआ है ना उसके संबंध में कंक्लूजन रखने के लिए आएगा, उसकी रिपोर्ट तैयार करता है। और फिर उसके बाद में दूसरा ऑडिटर आएगा, सेकंड ऑडिटर, फिर उसके बाद में थर्ड ऑडिटर, फिर फोर्थ ऑडिटर, उनको हम सबसिक्वेंट ऑडिटर कहते हैं, बाद के ऑडिटर कहते हैं, है ना। उनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी देखते हैं इसको अभी। चले आगे देखो, अब सब्सिक्वेंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि बाद के अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे की जाएगी। तो यहां पर सेक्शन 139(1)(c) लेकर 4 तक के एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम 1 को देखते हैं कि 1 में क्या लिखा हुआ है। 2, 3, 4 ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें पूरा अधिनियम नहीं पढ़ना है, हमें कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान में रखना है। अब यहां पर लिखा हुआ है, हमने देखो फर्स्ट ऑडिटर को कहां तक रखा था, हमने फर्स्ट ऑडिटर को रखा था फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक, हमने इस एजीएम के कंक्लूजन तक यहां फर्स्ट ऑडिटर को हमने रखा था। और जो सेक्शन लिखाई थी मैंने 139, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कहां की जाएगी? वार्षिक साधारण सभा में की जाएगी। तो वो वार्षिक साधारण सभा में इसी सब्सिक्वेंट ऑडिटर को ध्यान में रखकर प्रोविजन बनाया है, क्योंकि मैं खाली कंपनी कहता हूं तो वो गैर सरकारी है और खाली ऑडिटर कहता हूं तो वो कौन सा है, ये सब्सिक्वेंट है, मतलब इसको ही ध्यान में रखकर सेक्शन का नाम लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहां ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट की जाएगी वो पहली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष से स्टार्ट करेगा। कहां से स्टार्ट करेगा? वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष से लेकर, मतलब अब जो दूसरा ऑडिटर आएगा ना उस दूसरे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कहां की जाएगी? वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष में। और कौन सी वार्षिक साधारण सभा है? पहली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष में। और ये रहेगा कब तक? जो 6th एजीएम आएगी, 6ठी वार्षिक साधारण सभा, इस 6ठी वार्षिक साधारण सभा के कंक्लूजन तक रहेगा, इसके वो निष्कर्ष तक रहेगा। अब आप सोच के देखो, सोच के क्या, काउंट करके देखो कितने वर्ष हो गए, 5 साल हो गए ना। फर्स्ट एजीएम से सेकंड एजीएम, सेकंड एजीएम से थर्ड एजीएम, थर्ड एजीएम से फोर्थ एजीएम, फोर्थ एजीएम से फिफ्थ एजीएम,
और फिफ्थ एजीएम से सिक्स्थ एजीएम, तो कितने साल हो गए यहां पर, 5 सालों के लिए अपॉइंटमेंट की जाती है, है ना। और फिर इस एजीएम के कंक्लूजन में नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाएगी और वो रहेगा कब तक, नेक्स्ट सिक्स्थ एजीएम के कंक्लूजन तक, अगली छठी वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक रहेगा, है ना। और फिर अगले जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाएगी वो इस एजीएम के कंक्लूजन से लेकर अगली छठी वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक यहां पर वो रहेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रत्येक 5 वर्षों के लिए की जाती है, है ना। जब तक साधारण प्रश्न बोले कि भाई कंपनी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कितने वर्षों के लिए की जाएगी, इसका मतलब 5 वर्षों के लिए की जाएगी। सरकारी कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कितने वर्षों के लिए होगी, तो 1 वर्ष के लिए होगी। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कहां तक होगी, तो कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट, या नेक्स्ट की जगह पे फर्स्ट लिखा आएगा सबसे बढ़िया, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां क्या लगेगा 139 में कि ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है वो पहली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष से छठी वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक और उसके बाद हर छठी वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक ऑडिटर अपने पद पर रहेगा। मतलब हर छठी वार्षिक साधारण सभा में ऑडिटर को अपने पद से जाना है और इसी वार्षिक साधारण सभा में ऑडिटर को क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। इसलिए पहले पहले लाइन ये लिखाई थी कि वार्षिक साधारण सभा में ही ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाती है और कंपनी शब्द आते ही वार्षिक साधारण सभा में ही आपको अपॉइंटमेंट करना होगा। तो यहां पर पहली लाइन लिखो अंकेक्षक की नियुक्ति पहली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष से पहली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष से छठी वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक की जाएगी। और उसके बाद प्रत्येक सिक्स्थ एजीएम के निष्कर्ष तक और उसके बाद प्रत्येक सिक्स्थ एजीएम के निष्कर्ष तक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इसका कहने का मतलब है कि भाई जहां आप ऑडिटर को अपॉइंटमेंट कर रहे हो वो उसकी पहली वार्षिक साधारण सभा है, उसे पहली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष से छठी वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक रहना है। नया ऑडिटर जो आएगा उसकी पहली वार्षिक साधारण सभा है, उसे कहां तक रहना है, सिक्स्थ एजीएम के निष्कर्ष तक रहना है। इस तरीके से प्रत्येक छठी वार्षिक साधारण सभा के अंदर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाएगी। ये तो सामान्य नियम है ना। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में अर्थात कंपनी की दशा में प्रत्येक 5 वर्षों के लिए, प्रत्येक 5 वर्षों के लिए ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे दिखाना है ना,
मुझे दिख रहा है ना वो स्विच किया हुआ है ना, जब ऐसे लिखा हुआ ना, जब मैं लिखू ना हाथ से लिखा हुआ, तो चाहे पैनल को दिखा सकते हो। चले आगे, कहां तक लिखना है? 5 वर्षों के लिए की जाएगी, कर लोगे इतना? है ना। अब देखो करना क्या है कि भाई इस ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के फर्स्ट एजीएम के निष्कर्ष तक, है ना, फर्स्ट एजीएम के निष्कर्ष में अपॉइंटमेंट की है इसकी, ये फर्स्ट में। अब ये रहेगा कब तक? 6 तक रहेगा, छठी वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक। अब जब अपॉइंटमेंट की जाती है, नियुक्ति की जाती है, तो यहां पर भाई ऑडिटर क्वालिफाइड है या नहीं है, है ना, मतलब योग्यता अयोग्यता सब चेक करते हैं, उसके पास में प्रॉपर सर्टिफिकेट है या नहीं है, मतलब नॉलेज है या नहीं है, वो क्वालिफाइड है या नहीं है, तो सारी चीजों को चेक करके अपॉइंटमेंट करते हैं। जैसे सेक्शन 141 पढ़ोगे ना, धारा 141, उसके अंदर क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन दे रखी है, उस योग्यता अयोग्यता को यहां पर हम जांच करते हैं और अपॉइंटमेंट कर देते हैं कि भाई कंपनी में इसका किसी भी प्रकार से कोई हित नहीं है, तो हम अपॉइंटमेंट कर देते हैं। लेकिन देखो बीच में वार्षिक साधारण सभा आएगी, जैसे सेकंड एजीएम आएगी, है ना, थर्ड एजीएम आएगी, फोर्थ एजीएम आएगी, उसको 5 साल निकालने हैं और उसके बाद में छठी वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक रहेगा। तो हो सकता है कि सर भाई पहले क्वालिफाइड था लेकिन इन 5 वर्षों में क्या हो गया हो, वो किसी प्रकार डिसक्वालिफाइड हो गया हो, उसके पास में कोई अयोग्यता आ गई हो, मतलब कंपनी में उसका कोई इंटरेस्ट हो गया हो, है ना, कंपनी की शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ले ली हो, या उसके किसी रिलेटिव के द्वारा शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ले ली हो, या कोई और भी रीजन हो सकता है डिसक्वालिफिकेशन का, अयोग्यता का, तो क्या वो इन 5 वर्षों में नहीं जा सकता है? तो इस 5 वर्षों में अगर कोई डिसक्वालिफिकेशन आ जाती है तो कंपनी भी उसे क्या कर सकती है, पद से हटा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो खुद जाना चाहे कि भाई मैं रिजाइन देकर जाना चाहता हूं, त्याग पत्र देकर जाना चाहता हूं, तो इन 5 वर्षों में रिजाइन देकर भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार अपॉइंटमेंट हो गई तो हर छठी वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक तो उसे रहना ही रहना है, है ना, सब्जेक्ट टू रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ गई, कंपनी के हित के लिए काम नहीं कर रहा है, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, और खुद और कहीं काम करना चाहता है तो जितना प्रायर नोटिस है, प्रायर नोटिस देकर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां एक प्रोविजन जोड़ दिया, वो प्रोविजन ये जोड़ दिया कि भाई बीच में जो ये जनरल मीटिंग होगी, जो साधारण सभाएं होगी, जो वार्षिक साधारण सभाएं होगी, इन वार्षिक साधारण सभाओं में क्या किया जाएगा, कंपनी के जो शेयर होल्डर है, कंपनी के जो अंशधारक है, उन अंशधारकों के द्वारा इस ऑडिटर के पद को वापस रेक्टिफाइड किया जाएगा। रेक्टिफाइड का मतलब हर साल वो वापस चेक करेंगे कि भाई अभी भी क्वालिफाइड है या नहीं है, कोई कंपनी में इंटरेस्ट तो नहीं है, कंपनी में इसका कोई रिलेटिव तो काम नहीं कर रहा, तो इस प्रकार से उसके पद को वापस क्या किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है 5 वर्षों तक। और अगर सर रेक्टिफाई कर रहे हैं, किसी प्रकार की डिसक्वालिफिकेशन मिलती है, किसी प्रकार की अगर अयोग्यता मिलती है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। और सर डिसक्वालिफिकेशन नहीं मिली तो वो आगे कार्य करता हुआ जाएगा। एक फॉर्मेलिटी है, है ना, एक फॉर्मेलिटी है कि भाई हाँ हमने एक पहली एजीएम में अपॉइंटमेंट की तो हमने दूसरी एजीएम में भी फिर एक बार डॉक्यूमेंट को चेक कर लिए, ऑडिटर के डॉक्यूमेंट संबंधी कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया, फिर तीसरे साल भी चेक कर लिए, चौथे साल भी चेक कर लिए, पांचवें साल भी चेक कर लिए, छठी एजीएम में तो उसको जाना ही है। इसको बोलते हैं रेक्टिफाई करना, मतलब दोबारा एक बार सरसरी नजरों से देख लेना। और अगर डिसक्वालिफाइड हो गया तो उसे ऑफिस से हटा दिया जाएगा, रिमूवल कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर एक ऐसा पॉइंट जोड़ दिया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर अंशधारकों के द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा किसी जनरल मीटिंग के अंदर उसके पद को अगर रेक्टिफाई नहीं किया जाए, उसके पद को दोबारा ना जांचा जाए, तो ऐसी दशा में जो ऑडिटर है उसको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ऑफिस
वैकेट करना पड़ेगा। ऑफिस वैकेट करने का मतलब है यहां उसे पद से जाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक वैकेट बोलते हैं। ऑडिटर का जो पद है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ऑटोमेटिक वैकेट हो जाएगा। और इस ऑटोमेटिक वैकेट को ही बोला जाता है कैजुअल वैकेंसी, कहा जाता है आकस्मिक रिक्ति, कि भाई ऑडिटर के पद को रेक्टिफाई नहीं किया। किसी के पद को रेक्टिफाई करने का मतलब क्या है, रेक्टिफाई नहीं करने का मतलब कि उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन होगी, उसे हम आगे कंटिन्यू नहीं करवाना चाहते हैं। तो यहां पर पद को अगर रेक्टिफाई नहीं किया तो उस ऑडिटर का पद जो है वो ऑटोमेटिक वैकेट हो जाएगा, स्वतः पद खाली हो जाएगा। और इसे टेक्निकल भाषा में कैजुअल वैकेंसी कहेंगे, आकस्मिक रिक्ति कहा जाएगा। और अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो अब हमें नए ऑडिटर को लाना पड़ेगा। और उस नए ऑडिटर को कौन लेकर आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेके आएगा, संचालक मंडल लेकर आएगा। कितने दिनों के भीतर लाएगा, इस कैजुअल वैकेंसी होने के 30 डेज के भीतर भीतर लेकर आएगा। तो बहुत लंबे प्रोविजन है, पहले मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिखाते हुए चलता हूं। पहली लाइन सुनना। हाँ, वो डिस्क्वालिफिकेशन में बताऊंगा अभी, है ना, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन में। और इसमें भी यही आएगा, आगे अपन इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना, 2, 3, 4। तो उसमें एक अकेला व्यक्ति है, इंडिविजुअल को हम अगर अपॉइंट करते हैं तो वो 5 सालों तक, मतलब 1 टर्म तक अपॉइंट हो सकता है और अगले 5 सालों के लिए उस कंपनी में नहीं आ सकता। और फर्म है तो 10 साल, अगले 5 सालों के लिए अपॉइंट नहीं हो सकती। वो आ जाएगा, अभी लिखा दूंगा, है ना। पहली लाइन क्या थी, कि भाई जो बीच की वार्षिक साधारण सभाएं हैं, उन बीच की वार्षिक साधारण सभाओं में क्या किया जाएगा, ऑडिटर के पद को रेक्टिफाई किया जाएगा, पुनः जांचा जाएगा, है ना। और अगर किसी वार्षिक साधारण सभा में ऑडिटर के पद को रेक्टिफाई नहीं किया जाए तो यहां ऑडिटर का पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। पद खाली होने का मतलब यह है कि भाई उसको पद से हटा दिया गया है, ऑटोमेटिक वैकेट कहता है, स्वतः पद खाली होना। तो ये 2 पॉइंट लिखो, पहले लिखो बीच की, हाँ कंटिन्यू लाइन चेंज करके लिख लो, बीच की साधारण सभाओं में, बीच की साधारण सभाओं में, बीच की साधारण सभाओं में अंकेक्षक के पद को, अंकेक्षक के पद को अंशधारकों के द्वारा, अंकेक्षक के पद को अंशधारकों के द्वारा पुनः जांचा जाएगा, पुनः जांचा जाएगा, है ना। अगर भाई सही है तो आगे चलता रहेगा, वो उसको देखने की, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लिखो, यदि किसी साधारण सभा में, यदि किसी साधारण सभा में अंकेक्षक के पद को, किसी साधारण सभा में अंकेक्षक के पद को नहीं जांचा जाता है तो स्वतः पद खाली मान लिया जाएगा। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक वैकेट, स्वतः पद खाली मान लिया जाएगा, ठीक है, स्वतः पद खाली मान लिया जाएगा। इसे आकस्मिक रिक्ति, इसे आकस्मिक रिक्ति यानी कैजुअल वैकेंसी, आकस्मिक रिक्ति का मतलब है कैजुअल वैकेंसी कहा जाता है।
क्या कहते हैं, कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, अब देखो ये कैजुअल वैकेंसी हो गई, आकस्मिक रिक्ति हो गई, ऑडिटर के पद को वैकेट कर दिया, पद को खाली कर दिया यहां पर। अब नया ऑडिटर तो लाना पड़ेगा, और नया ऑडिटर कौन लेकर आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल लेकर आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने दिनों के भीतर लेके आएगा, इस कैजुअल वैकेंसी होने के 30 डेज के भीतर भीतर लाएगा, 30 दिनों के भीतर भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी। लेकिन मैंने आपको बताया कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करता कौन है, तो यहां पर आपको जनरल तो यही प्रोविजन ध्यान में रखना है, शेयर होल्डर करते हैं, अंशधारक करते हैं, कहां पर करते हैं, एजीएम में करते हैं, वार्षिक साधारण सभा में। एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। पहले भाई ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के संबंध में बोर्ड बना रखा है, संचालक मंडल बना रखा है बोर्ड, है ना। फिर उसके बाद में ऑडिट कमेटी बना रखी है ना, इनके भी सुझाव रिकमेंडेशन और सब कुछ होके फिर शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सारे यहां पर चेक होते हैं। और यहां कैजुअल वैकेंसी हुई है, और कैजुअल वैकेंसी के कारण यहां पर हमें आकस्मिक तौर पर किसी ऑडिटर को लाना पड़ रहा है। तो यहां पर कितने दिनों के भीतर, 30 डेज। अब यहां एजीएम में जब अपॉइंटमेंट होती है तो हम इसको कितने साल देते हैं, 5 ईयर्स देते हैं, 5 साल देते हैं। लेकिन यहां पर अपॉइंटमेंट की है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, संचालक मंडल के द्वारा। तो हम यहां पर सर इसको 5 वर्ष नहीं देकर, जो अगली एजीएम आएगी, नेक्स्ट एजीएम, इस अगली एजीएम के हम क्या करेंगे, कंक्लूजन तक, अगली एजीएम के निष्कर्ष तक ही ये पद पर रहेगा। कौन सा ऑडिटर, जो आकस्मिक रिक्ति के कारण आया है उसको हमें ध्यान में रखना है कि भाई आकस्मिक रिक्ति हो गई, नए ऑडिटर की नियुक्ति संचालक मंडल करेगा, आकस्मिक रिक्ति होने के 30 दिनों के भीतर भीतर, लेकिन ऐसा ऑडिटर अगली एजीएम के निष्कर्ष तक रहेगा, इतना ध्यान में रखना है। अब ये जो अगली एजीएम का निष्कर्ष है ना, ये नया ऑडिटर जो आएगा उसके लिए फर्स्ट एजीएम हो जाएगी, और इस फर्स्ट एजीएम से वो कहां तक रहेगा, 6th एजीएम के निष्कर्ष तक रहेगा। फिर उसके बाद में हर 6th एजीएम के निष्कर्ष, ऐसे ही प्रोविजन आगे बढ़ते रहेंगे। फिर इन बीच की वार्षिक साधारण सभा में इस ऑडिटर के पद को रेक्टिफाई किया जाएगा, और अगर सर योग्य है तब तो 6th एजीएम तक रहेगा, और अगर बीच में ही सर ऑटोमेटिक वैकेट होता है तो फिर कैजुअल वैकेंसी, वो फिर नेक्स्ट 30 डेज, मतलब वार्षिक साधारण सभा में जो अपॉइंट होगी वो 6 सालों के लिए चलेगी, और बीच में कैजुअल वैकेंसी होती है तो उसको हम नेक्स्ट एजीएम तक रोककर फिर 6th एजीएम, फिर 6th एजीएम, फिर 6th एजीएम तक ऐसे चलता रहेगा। तो इसमें लिखो आकस्मिक रिक्ति कहा जाएगा, नए अंकेक्षक की नियुक्ति, हाँ हर साल वेरिफिकेशन करेगा, नहीं करता है तो पद खाली। नए अंकेक्षक की नियुक्ति, नए अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल के द्वारा, नए अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल के द्वारा आकस्मिक रिक्ति, आकस्मिक रिक्ति होने की 30 डेज, होने की 30 डेज के भीतर भीतर की जाएगी। ठीक है, 30 दिनों के भीतर भीतर की जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऐसा अंकेक्षक अगली वार्षिक साधारण सभा, ऐसा अंकेक्षक अगली वार्षिक साधारण सभा
के निष्कर्ष तक ऐसा अंकेक्षक अगली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक रहेगा। ठीक है, तो अगली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष से फिर अंशधारक अपॉइंटमेंट करेंगे, फिर अगले 6th AGM तक चलेगा, फिर अगले 6th AGM मतलब अंकेक्षक की जो नियुक्ति, ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रत्येक छठी वार्षिक साधारण सभा के हिसाब से ही चलेगी। लेकिन एक बार हमने अपॉइंटमेंट कर दी, एक बार हमने नियुक्ति कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पद को हम चेक ही नहीं करें। तो उसके पद को बार बार रेक्टिफाई करते रहते हैं, बार बार जांचते रहते हैं, है ना, कि अभी भी भाई क्वालिफाइड है या नहीं है, अभी भी योग्यता है या नहीं है, कंपनी के इंटरेस्ट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर नहीं काम कर रहा है तो उसके पद को रेक्टिफाई नहीं करना है, उसके पद को आगे नहीं सुधारना है। तो इसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी, आकस्मिक रिक्ति। और जब भी कैजुअल वैकेंसी होगी तो नया ऑडिटर जो आएगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेकर आएगा। कितने दिनों के भीतर भीतर लाएगा? 30 डेज के भीतर भीतर, 30 दिनों के भीतर भीतर लेकर आएगा। लेकिन उसको पूरा 5 साल नहीं देंगे, है ना, उसको केवल 1 AGM के निष्कर्ष तक रखेंगे। हाँ, आगे अगर शेयर होल्डर चाहे, आगे अगर अंशधारक चाहे तो उस AGM के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट कर दो। अगर योग्य लगता है, बढ़िया है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेके आए हैं, अगर लगता है योग्य कि बढ़िया है तो उसकी अपॉइंटमेंट कर दो, वो 6th AGM के निष्कर्ष तक रह जाएगा। तो ये तरीका होता है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करने का। देख लो, कोई छोटा मोटा डाउट है तो पूछ लो, चलते हैं फिर आगे। चले आगे। अभी आएगा वो। हाँ, मतलब एक सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में काम करता है ऑडिटर। जैसे राम एक चार्टेड अकाउंटेंट है तो वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बना लेता है, तो उसकी अपॉइंटमेंट किसी कंपनी में 5 वर्षों के लिए वो अपॉइंट हो सकता है। ये समय बढ़ा हुआ है, इसको काउंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देता है। जैसे कैजुअल वैकेंसी के कारण आया ना, आकस्मिक रिक्ति के कारण, तो बचे कुछ दिन है ना, तो वो ऐसा, वो लो में ऐसा अधिनियम में नहीं है कि सर ये तो 5 साल से ऊपर हो गए, वो एक और दे भाई, एक मने दे। कल के क्वेश्चन है क्या? अरे यार, मुझे लगा मेरी इतनी केयर करने वाला कौन है जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके क्वेश्चन भी बना के दे रहा है, टाइप भी करवा रहा है, छाप के भी दे रहा है। सर ये क्लास कितने बजे तक लगती है डेली? इसके लिए एक नोटिफिकेशन आता है ओम प्रकाश, 5 साल ही चलेगा। ठीक है, ऑफलाइन में कहाँ लगती है? ऑफलाइन में जयपुर में लगती है और सोमवार से जोधपुर में भी लगेगी। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी में तो CAG, हर वित्तीय वर्ष स्टार्ट होने के 180 दिनों के भीतर भीतर CAG अपॉइंट करेगा और वो नेक्स्ट AGM के कंक्लूजन तक रहेगा। फिर अगला वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ उसके 180 दिनों के भीतर भीतर CAG वो अगली AGM के निष्कर्ष तक, मतलब एक एक वर्ष के लिए। ये कौन सी कंपनियां हैं जो सरकारी के अलावा है? इसमें भी कुछ लिमिट होती है कि इतनी लिमिट से ज्यादा की टर्नओवर हो, इतनी लिमिट से ज्यादा पेडअप हो, है ना, वो उन प्रकार की कंपनियों के लिए ऐसे नियम होता है। छोटी मोटी कंपनियां हैं उनके लिए तो जीवन काल भी एक ऑडिटर रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1956 में ऐसा ही प्रोविजन था कि भाई कंपनी में ऑडिटर की नियुक्ति कर दो। ये 5 साल के प्रोविजन नहीं थे, 5 साल के प्रोविजन तो जो बड़ी कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं, है ना, जिनकी टर्नओवर चेक करते हैं, लिमिट चेक करते हैं, तो उन लिमिट से ज्यादा है उनके लिए ऐसा जरूरी कर दिया। क्योंकि आप सोच के देखो कि भाई एक कंपनी है, इस कंपनी के संबंध में एक ही ऑडिटर काम कर रहा है,
है ना, तो उसको हर चीज के बारे में पता है, कंपनी की हर एक्टिविटीज के बारे में पता है, प्रोडक्शन यूनिट के बारे में पता है ना, कैसे कहां से, तो वो सारी मतलब टैक्स बचाने के संबंध में या कोई भी कार्य वो इजीली कर सकता है, क्योंकि उसे खातों का पूरा नॉलेज हो जाता है, तो उसका रोटेशन करना जरूरी है। तो रोटेशन करने के लिए ऐसा प्रोविजन जोड़ दिया कि भाई 5 सालों के बाद में आप रोटेशन कर दो, आप उसको बदल दो, है ना। तो ये इस तरीके का रोटेशन करने के लिए ऐसा प्रोविजन जोड़ दिया, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें ध्यान में रखना है 5 वर्षों के लिए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाएगी, ऐसा ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें क्या है, 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना है कि भाई ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो हम करते हैं, है ना, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई सबसे पहले जैसे ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन करना, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, फिर शेयर होल्डर, तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट की जाती है, एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। लेकिन ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कर दी, नियुक्ति कर दी, तो इस ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करने के विद इन 15 डेज का प्रोविजन ध्यान में रखना है। 15 दिनों के भीतर भीतर इस ऑडिटर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इस ऑडिटर से रिलेटेड जितनी भी सूचना है, वो हमें किसको भेजना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, आरओसी को सबमिट करवाई जाती है। इसके लिए एक फॉर्म लगता है, फॉर्म लगता है एडीटी, एक नंबर फॉर्म लगता है अपॉइंटमेंट के संबंध में। यहां ऑडिटर का नाम क्या है, उसका मेंबरशिप नंबर, उसके ईमेल आईडी, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके डिजिटल सिग्नेचर, मतलब जो भी लीगल इंफॉर्मेशन है, वो सारी लीगल इंफॉर्मेशन कहां जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में सबमिट करवाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 15 डेज का प्रोविजन ध्यान में रखना। नहीं सूचित करते हैं तो धारा 147 के हिसाब से कंपनी पर पेनल्टी लग जाएगी। बट आपको 15 दिनों का कॉन्सेप्ट और एडीटी 1 फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। यहां रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी इन्फॉर्म करना है, और किसके द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंपनी इन्फॉर्म करते हैं, कंपनी का संचालक मंडल का ये काम होता है डेली रूटीन के, तो कंपनी के द्वारा सूचना दी जाती है, और यहां पर ऑडिटर को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट कर दी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और साथ में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी इन्फॉर्म दिया जाता है एडीटी 1 नंबर फॉर्म। एक तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो ये ध्यान में रखना है, मैंने आपको बताया था कि एक अकेला इंडिविजुअल है, एक अकेला चार्टेड अकाउंटेंट है, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में काम करता है, है ना, एक अकेले व्यक्ति के द्वारा सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में काम किया जाता है। अब इस चार्टेड अकाउंटेंट की जो अपॉइंटमेंट है, तो किसी कंपनी में कितने वर्षों के लिए की जाती है, प्रत्येक 5 वर्षों के लिए की जा सकती है, और इस 5 वर्ष को अधिनियम के अनुसार 1 टर्म कहा जाता है, एक अवधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 टर्म या एक अवधि कहा जाता है, और इस 5 साल के समाप्त होने के बाद नेक्स्ट जो 5 ईयर है, अगले जो 5 वर्ष है, इन अगले 5 वर्षों के लिए क्या हो जाता है, ये ऑडिटर जो है उसी कंपनी के अंदर ऑडिटर के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए, है ना, कौन कई भाई 5 वर्षों के लिए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की है, इसको हम एक अवधि कहते हैं, और इस अवधि के समाप्त होने के अगले 5 वर्षों के लिए ये ऑडिटर उसी कंपनी में दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, और ये 5 साल बीतने के बाद में वापस इस ऑडिटर को क्या किया जा सकता है, है ना, अपॉइंट की जा सकती है, मतलब ये वापस क्वालिफाइड है। ऐसा कह सकते हैं कि भाई ऑडिटर की अपॉइंटमेंट प्रत्येक 5 वर्षों के लिए की जाती है, और उसके अगले 5 वर्षों के लिए क्या हो जाता है, उसी कंपनी के अंदर ऑडिटर के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, फिर दोबारा आना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 5 साल किसने मना कर दिया, ये अधिनियम ने मना कर दिया, और जब अधिनियम ने मना कर दिया तो कोई सा भी केस हो, 5 साल बीतने के बाद में उसे 5 साल का तो रेस्ट लेना ही पड़ेगा, इसको रोटेशन कहते हैं, तो रोटेशन होगी ही होगी। दोबारा अपन कहते ना कि क्या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट दोबारा की जा सकती है, रीअपॉइंटमेंट, तो यहां रीअपॉइंटमेंट कभी हो ही नहीं सकती,
ये तो अधिनियम ने मना कर दिया। रीअपॉइंटमेंट जो हम पढ़ते हैं वो यहां रीअपॉइंटमेंट पढ़ते हैं कि क्या ऑडिटर की, हम कहते हैं ना कि पुनः नियुक्ति संभव है क्या, तो पुनः नियुक्ति संभव है 5 साल के बाद में आ जाए तो। यहां पर सर पुनः नियुक्ति नहीं होती है, इसको पुनः नियुक्ति नहीं कहते हैं, ये तो अधिनियम ने मना कर दिया, तो अधिनियम ने मना कर दिया तो वो अपॉइंट हो ही नहीं सकता है। और अगर सर 4-5 सीए मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, है ना, फर्म के रूप में भी काम करते हैं, तो फर्म के लिए यहां पर क्या है, यहां 2 टर्म लिखा हुआ है। 2 टर्म का मतलब क्या हो गया, 5+5 कितना, 10 साल। यहां पर 10 साल के लिए वो क्या कर सकती है, ऑडिटर के रूप में अपॉइंट हो सकती है। फर्म को थोड़े ज्यादा एडवांटेज मिलते हैं। और उसके बाद में क्या है सर, वो नेक्स्ट 5 ईयर जो है, अगले 5 वर्षों के लिए क्या हो जाएगी, डिस्क्वालिफाइड। अगले 10 वर्ष के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि भाई 10 वर्ष के लिए हमने योग्य कर दिया तो 10 वर्ष के लिए डिस्क्वालिफाइड, फिर तो डिफरेंस ही क्या है, फिर तो अंतर ही क्या है। तो अगले 5 वर्ष के लिए डिस्क्वालिफाइड है और फिर क्या फर्म की पुनः नियुक्ति कर सकते हैं क्या, वापस ये पुनः नियुक्ति योग्य होंगे। तो रीअपॉइंटमेंट के जो प्रोविजन है ना वो यहां पर लगते हैं, अवधि समाप्त होने के अगले 5 वर्षों में रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है, यहां होता है रीअपॉइंटमेंट, तो हाँ रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, संभव है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, है ना, 1 टर्म और 2 टर्म का प्रोविजन ध्यान में रखना है। तो 2-3 नोट बना के लिख लो। हाँ हाँ उसको भी बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम के निष्कर्ष तक, ठीक है, उसको भी देखो, उसकी अपॉइंटमेंट अपन फर्स्ट एजीएम के निष्कर्ष तक करते हैं, लेकिन अगर कंपनी के हित में काम कर रहा है ना, कंपनी के अंशधारकों के हित में काम कर रहा है, तो आप उसको, है ना, 5 साल के लिए रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे एक होता है जैसे प्रोविजन बना रखे हैं अधिनियम के अंदर, प्रोविजन बना रखे हैं, है ना, तो इतना हार्ड एंड फास्ट वाले नहीं है। हाँ ये बीच में 5 साल डिस्क्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफाइड है, दोबारा रीअपॉइंटमेंट है, तो अधिनियम को आप कितना भी अच्छे से पढ़ के देख लो तो यही लिखा हुआ है कि भाई कैजुअल वैकेंसी, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करता है 30 डेज, अब कितना भी ढूंढ के देखोगे तो यहां नहीं मिलेगा कि भाई उस ऑडिटर को हम आगे 5 सालों के लिए कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, है ना, या फिर कोई केस स्टडीज के संबंध में आ रखी है उसके आधार पर अब ये डिसीजन लेते हैं कि भाई उस केस स्टडी के अंदर इसको भी आगे 5 साल के लिए कंटिन्यू रखा था, है ना, तो कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर तो 3-4 महीने का कोई मतलब ही नहीं है। रीअपॉइंटमेंट ही है वो, पुनः नियुक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है, रीअपॉइंटमेंट ही है ना। नोट नंबर 1 करके लिखो। नोट नंबर 1 लिखना, कंपनी के द्वारा ऑडिटर की नियुक्ति करने के 15 दिनों के भीतर ऑडिटर को व रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सूचित किया जाएगा। फॉर्म लगेगा एडीटी 1 नंबर, है ना, ब्रैकेट में लिख लेना ADT 1, लिखा है ना ऊपर ADT 1 नंबर फॉर्म। ADT 1 नंबर फॉर्म जो है वो अपॉइंटमेंट के संबंध में है, नियुक्ति के संबंध में है, ओके। नोट नंबर 2 लिखो, व्यष्टि अंकेक्षक
की नियुक्ति किसी कंपनी में 5 वर्ष और ब्रैकेट में लिख लेना वन टर्म, 5 वर्ष ब्रैकेट में लिख लेना वन टर्म TERM टर्म, वन टर्म है ना, ब्रैकेट में लिख लेना वन टर्म, 5 वर्ष तथा फर्म की नियुक्ति 10 वर्ष, फर्म की नियुक्ति 10 वर्ष और ब्रैकेट में लिख लेना टू टर्म है ना, के लिए की जा सकती है, के लिए की जा सकती है। फिर लाइन चेंज करके लिखना नोट नंबर थर्ड, अगले पांच वर्षों के लिए उसी कंपनी में अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु अयोग्य होगा, है ना, आपने अपॉइंटमेंट कर दिया, अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्ति हेतु अयोग्य है। नोट नंबर 4, फर्म में सीमित दायित्व साझेदारी LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, फर्म में सीमित दायित्व साझेदारी भी शामिल है, फर्म इंक्लूड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, मतलब मैं फर्म बोलता हूं ना तो इसका मतलब LLP भी अपॉइंट हो सकती है, LLP को भी नियुक्त किया जा सकता है, है ना। एक पॉइंट ऐसे ही सुन लो, देखो इस फर्म के जितने साझेदार चार्टेड अकाउंटेंट है जो प्रैक्टिसिंग है, इस प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट में से इस जो 5 वर्ष की अवधि है, इस अवधि में किसी पार्टनर की अपॉइंटमेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि भाई 4 पार्टनर है ABCD तो एक पार्टनर पहले था फिर इसकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, इसकी अपॉइंटमेंट, ये पूरी फर्म ही क्या होती है, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी उन 5 वर्षों में। और साथ में ये पार्टनर जो है वो किसी और पार्टनरशिप के अंदर भी अगर साझेदार है तो वो फर्म भी क्या हो जाएगी, पूरी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी। ये जहां जहां पार्टनर है वो सारी फर्म डिस्क्वालिफाइड हो जाती है, ठीक है। तो साझेदार के साथ साथ में जो फर्म है वो फर्म, और वो साझेदार किसी और फर्म में भी अगर पार्टनर है तो वो सारी फर्म क्या होती है, डिस्क्वालिफाइड होती है, अयोग्य होती है। ऐसा नहीं है 4 पार्टनर है तो एक ऑडिट कर लेगा, या ये किसी और में पार्टनर है तो उस फर्म की अपॉइंटमेंट हो जाएगी, है ना। तो ये जहां जहां साझेदार पार्टनर है वो सारी फर्म क्या हो जाती है, डिस्क्वालिफाइड हो जाती है। तो ये हमें पॉइंट ध्यान में रखना है सबसिक्वेंट ऑडिटर के संबंध में, बाद के अंकेक्षक के संबंध में। अब देख लो मैंने चारों सेक्शन पढ़ा दी है, एक बार सरसरी नजरों से चारों सेक्शन को देख लो, चारों धाराओं को देख लो, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। फटाफट से देख लो, चाय ले आओ, ऐसे बोल रहा हूं मैं,
मेरे को दो बार पिला दिया करो चाय। देखो कोई छोटा मोटा डाउट है तो फटाफट से पूछ लो कोई। देखो पूरी कंपनी ऑडिट से है ना, पूरी कंपनी ऑडिट से ही कितने, मतलब पूरी ऑडिट से ही कितने क्वेश्चन बनने हैं, तीन है ना, पूरी कम खाली ऑडिट से ही कितने बनने हैं, तीन। हो सकता है किस्मत बढ़िया हो तो चार बन जाए, है ना। तो तीन में से एक क्वेश्चन तो आ गया उसका जो बेसिक ऑडिट का अर्थ है और उसके ऑब्जेक्ट है, उसकी रिपोर्ट है या इनके संबंध में, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, और दो क्वेश्चन मान लो कि कंपनी ऑडिट में से बनते हैं। अब कंपनी ऑडिट है पूरी आराम से, है ना, कम से कम 60-70 पेज की पूरी कंपनी ऑडिट है, उसमें से दो क्वेश्चन बनाने हैं। तो एक तो आप पिछला पेपर उठा के देखोगे ना तो उसमें सीधा सीधा पूछ लिया था कि पारिश्रमिक का निर्धारण से संबंधित कौन सी धारा है ना, तो ऐसे सीधा धारा पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, मतलब दो ही तो क्वेश्चन बनाने हैं उसको। अब दो क्वेश्चन बनाने तो वो प्रत्येक लाइन प्रत्येक गहराई में ऐसे नहीं जाता कि हर लाइन की गहराई में जाकर उसको उसने अपॉइंट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, ऐसे गहराई में नहीं है। आराम से सिंपल सिंपल से साधारण साधारण से प्रोविजन है उसके हिसाब से। जैसे सीधा पूछ लेगा कि भाई कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कितने दिनों के भीतर की जाती है। अब आपको डेज पता चल गया है ना, तो मतलब जैसे 60 है क्या या 30, तो 30 है ना, तो वो आपको मतलब चलाना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। 60 क्यों नहीं है, क्योंकि 60 किसमें लगता है, गवर्नमेंट कंपनी में, तो मैंने खाली कंपनी बोला। तो कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति ये इस प्रकार से, सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कितने दिनों के भीतर की जाएगी, है ना। अब मैंने सरकारी कंपनी बोला है, फर्स्ट नहीं बोला है ना, फर्स्ट ऑडिटर थोड़ी बोला है, तो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिनों के भीतर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तो बोला था ना मैंने, पेपर 2020 वाला पेपर जो है डाउनलोड नहीं किया हुआ क्या आपके पास में, है ना। ये देखो इंटेलिजेंट, इनको बोलते हैं इंटेलिजेंट। देखो अब कंपनी का कोई क्वेश्चन वोश्चन कोई आया हुआ है तो देख लेते हैं, कोई लाइव देख रहा हूं मैं भी देख लेना, ऐसे मत बोलना सर के पहले पढ़े हुए हैं। हाँ वो एक तो चलता ही है, केस स्टडी वेस स्टडी पूछ लेते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये रहा कंपनी का। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में अंकेक्षक के कर्तव्य को बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 102 है। पहला ऑप्शन है धारा 138, दूसरा ऑप्शन है धारा 139, तीसरा ऑप्शन है धारा 141 और चौथा ऑप्शन है धारा 143, है ना। तो बताने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर 102 देख लेना, ये क्वेश्चन नंबर 102 है ना, तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 109 है, ऑडिट के संबंध में ही है लेकिन कंपनी ऑडिट का नहीं है। ये है अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, ठीक है आप बता दोगे आराम से, है ना। हर पेपर में यही पूछते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, गलती हमारी होती है, हमारी क्या आपकी होती है। पेपर ढंग से अटेंड नहीं करना है ना, लैक ऑफ प्रैक्टिस, ओवर कॉन्फिडेंस, वहां मानसिक संतुलन खो देना, इन सारी कमियों के कारण, इन सारी कमजोरियों के कारण ही तो रिजल्ट रह जाता है। और ऑडिट का है क्या, दो ही तो लिखे अभी मैंने। वरना इस पूरे पेपर को है ना आप एक बार सिलेबस करके पहले भली मत खोलना, पूरा सिलेबस करके घर पे आराम से बैठ के सॉल्व करना। जितने क्वेश्चन है ना उसमें से आप 90% क्वेश्चन को बिना ऑप्शन देके टच कर दोगे, लेकिन वहां प्रॉब्लम कर देते हैं, वहां समस्या कर देते हैं, है ना। जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ना, सारे ऑप्शन को ढंग से नहीं पढ़ना, हिंदी इंग्लिश को ढंग से नहीं पढ़ना, तो ये सारी गलतियों के कारण रह जाते हैं। आते सब कुछ है,
अब स्टैटिक्स के क्वेश्चन देखो, चार क्वेश्चन है, चार सेकंड से ऊपर के नहीं है, सच में कह रहा हूं मैं, ऐसे नहीं है, तुम आप लोग पढ़ोगे तब पता चलेगा, चार सेकंड से ऊपर नहीं है। यहां लगता है, यही तो मैंने कहा था ना कि अपने को बाद में भी पेपर आता है और पहले भी पेपर आता है, लेकिन पेपर के समय का जो होता है ना, 2 घंटे 3 घंटे, उस समय हम गड़बड़ी कर देते हैं, तो उस समय को आपको सुधारना है। ये प्रैक्टिस ही होता है सब कुछ। दो ही क्वेश्चन आए थे क्या पिछली बार ऑडिट के? हाँ, तो वही तो कह रहा हूं ना, दूसरों से मिलाओगे ना, दूसरों से पूछोगे तो यार आते हुए भी गलत कर दिया मैंने, दो ही क्वेश्चन थे। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो एक सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 आपको ध्यान में रखना है, और सब सेक्शन 8 किसके संबंध में है, यह है कैजुअल वैकेंसी। किसके संबंध में है? कैजुअल वैकेंसी यानी आकस्मिक रिक्ति, कैजुअल वैकेंसी आकस्मिक रिक्ति। एक बार मैं किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ था, बाय चांस किसी बच्चे ने जोड़ दिया था, ग्रुप होता ना व्हाट्सएप वाला, उसमें जुड़ा हुआ था, तो उसमें जुड़ा हुआ था, तो मैसेज आते रहे, तो मैं इसको म्यूट करके रखता हूँ। एक दिन देखा उसमें रिजल्ट आया हुआ ही था, तो रिजल्ट आने के बाद में लिखा हुआ था कि भवानी सर का क्या रिजल्ट रहा। तो दूसरे बच्चे ने लिखा कि हमेशा की तरह फेल हो गए, हमेशा की तरह फेल हो गए, तो मैंने देख के छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाकी से एक बच्चा और हंसने लगा था कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। फिर एक बच्चे ने लिखा कि भाई भवानी सर को मैं बचपन से जानता हूं कि उस बंदे के ना तो बीएड की हुई है, कह रहे ना तो उस बंदे की बीएड की हुई है, और बीएड नहीं की हुई है तो आप बैठा सकते हो क्या उनको पेपर में? तो मैंने कहा अब की बार सही मिला है बराबरी का, है ना, तो चलता रहता है ऐसा, तो ना तो मेरे बीएड की हुई है, और सोचता हूं कभी कभार बीएड बीएड की हुई होती तो बढ़िया रहता, बढ़िया रहता ना, तो नौकरी वोकरी लग जाते हम भी। हाँ ना 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 ना, अब बीएड करने के लिए इतना समय है, तो उतने में तो बहुत पीछे चले जाएंगे। तो कैजुअल वैकेंसी में ध्यान में रखना है आकस्मिक रिक्ति में, है ना। पहला ध्यान में रखना है कैजुअल वैकेंसी में सरकारी कंपनी। सच में मैं उसको देख के मैसेज आया ना कि हमेशा की तरह रह गए, तो मेरे को हंसी भी आई थी। मैंने कहा सही चाहने वाला है मेरा। फिर विद इन सेकंड भेज दिया था, 4-5 मिनट के बाद ही आ गया था कि दौरे सर को मैं जानता हूँ बचपन से, उनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, तो जहां बीएड की डिग्री नहीं है तो रिजल्ट का क्या सवाल। तो सरकारी, और नंबर सेकंड क्या है, गैर सरकारी कंपनी। ये लो, अब देखो कैजुअल वैकेंसी है क्या, आकस्मिक रिक्ति है क्या, तो आप पूरा कंपनी अधिनियम पढ़ोगे ना, तो इस पूरे कंपनी अधिनियम में कैजुअल वैकेंसी के संबंध में कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं दे रखी, परिभाषा नहीं दे रखी कैजुअल वैकेंसी है क्या। केवल इतना सा वर्ड लिखा हुआ है कि भाई अवधि समाप्त होने के अलावा बाकी जितने भी कारण से ऑडिटर को पद से हटाया जाएगा या वो खुद पद छोड़कर जाएगा, वो सारा क्या है, कैजुअल वैकेंसी है। मतलब अवधि समाप्त होने का मतलब क्या है कि भाई किसी ऑडिटर को हमने अपॉइंट किया तो वो कितने अवधि तक रहेगा, 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा। कितने वर्ष की अवधि तक? 5 वर्ष की अवधि। तो ये तो भाई साहब अवधि है उसकी, है ना, ये तो अवधि है। अब मतलब इस 5 वर्ष की अवधि खत्म हो गई और फिर उसके बाद में हटाते हैं तो वो कोई आकस्मिक रिक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो अधिनियम के अनुसार हटाया जा रहा है, अपने प्रोविजन पूरे करके जा रहा है। लेकिन इस 5 वर्षों के दौरान किसी भी कारण से अगर उस ऑडिटर को पद से हटाया जाता है तो वो सारी क्या है, कैजुअल वैकेंसी। जैसे जैसे भाई ऑडिटर पद त्याग करके चला जाता है तो अवधि समाप्त हो गई क्या? नहीं,
ऑडिटर के पद को रेक्टिफाई नहीं किया तो क्या अवधि समाप्त हो गई क्या? नहीं, शेयर होल्डर रेक्टिफाई नहीं करते, है ना, मतलब पुनः जांचना नहीं, आगे नहीं ले जाना है, तो क्या अवधि थोड़ी समाप्त हुई है? तो अवधि समाप्त नहीं, ऑडिटर दिवालिया हो जाए, है ना, तो अवधि थोड़ी समाप्त हुई है, ऑडिटर की मृत्यु हो जाए तो अवधि समाप्त नहीं हुई है, या फिर मान लो कि ऑडिटर बीच में किसी भी प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन आ जाए, कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई हित आ जाए, कोई इंटरेस्ट आ जाए, तो अवधि थोड़ी समाप्त हुई है, है ना, खुद रिजाइन देकर चला जाए तो अवधि समाप्त नहीं हुई है। तो अवधि समाप्त होने के अलावा जितने भी कारण है, जितने भी रीजन है, वो सारे क्या है, कैजुअल, वैकेंसी में है, आकस्मिक रिक्ति में है। और आपको ध्यान में रखना है कि भाई पहले सरकारी कंपनी में सबसे पहला मौका किसके पास जाता है, सीएजी के पास में जाता है। सरकारी कंपनी है तो मौका किसके पास आएगा, सीएजी के पास आएगा। और कैजुअल वैकेंसी होने के कितने दिनों के भीतर भीतर यहां पर सीएजी के द्वारा कैजुअल वैकेंसी होने के 30 डेज के भीतर भीतर नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाएगी। और अगर सर सीएजी किसी कारणवश असफल हो जाए तो उसके अगले कितने अगले 30 डेज के भीतर भीतर 30 दिनों के भीतर भीतर किसके द्वारा अपॉइंटमेंट की जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाएगी। और रहेगा कब तक, जो नेक्स्ट एजीएम आएगी, अगली वार्षिक साधारण सभा, उसके निष्कर्ष तक रहेगा। ये होता है सरकारी कंपनी में कैजुअल वैकेंसी। तो पहले तो कैजुअल वैकेंसी क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर सर सरकारी कंपनी में आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा आकस्मिक रिक्ति होने के 30 दिनों के भीतर भीतर नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाएगी। और अगर 30 डेज में अपॉइंटमेंट नहीं की जाए तो उसके अगले 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाएगी, जो अगली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक रहेगा, मतलब उस वित्त वर्ष के खातों की ऑडिट करके जाएगा। और गैर सरकारी कंपनी में कैजुअल वैकेंसी होने के यहां पर भी आपको 30 डेज का प्रोविजन ध्यान में रखना है, 30 दिनों के भीतर भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, संचालक मंडल के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाएगी, क्योंकि यहां पर सीएजी का कोई काम नहीं है 30 डेज के भीतर भीतर, है ना। लेकिन इसमें दो प्रोविजन लग जाते हैं, एक सर अगर वो रिजाइन देकर जाता है तो भी कैजुअल वैकेंसी है, और अगर सर वो रिजाइन के अलावा जितने भी कारण है तो भी क्या है, कैजुअल वैकेंसी, आकस्मिक रिक्ति है। लेकिन रिजाइन देकर जाता है तो इसके प्रॉपर कारण पूछे जाते हैं, हो सकता है भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई अपना खुद का व्यक्ति लाना चाहते हो, है ना, किस कारण से वो रिजाइन देकर जा रहा है। यहां पर जो नया ऑडिटर आएगा, नया ऑडिटर लाएगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज में। लेकिन इसकी नियुक्ति के, इसके रिकमेंडेशन के 3 महीने के अंदर अंदर एक जनरल मीटिंग रखी जाएगी, और इस साधारण सभा में अंशधारकों के द्वारा उसके पद को वापस रेक्टिफाई किया जाएगा। रेक्टिफाई करने का मतलब यहां पर अप्रूवल दी जाएगी, है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 30 दिनों के भीतर भीतर, दोनों ही केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन यहां पर क्या किया जाएगा, एक साधारण सभा रखी जाएगी इसकी नियुक्ति के 3 महीनों के भीतर भीतर, और शेयर होल्डर के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, अप्रूव्ड किया जाएगा, अनुमोदित किया जाएगा। यहां पर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब रहेगा कब तक, दोनों ही दशाओं में अगली वार्षिक साधारण सभा की निष्कर्ष तक रहेगा। पहली बात तो सीधा सीधा आकस्मिक रिक्ति से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो सीधा सीधा पूछता है कि भाई आकस्मिक रिक्ति होने की दशा में नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी, तो बताओ किसके द्वारा की जाएगी, पहले इधर जाओगे या इधर, है ना, गैर सरकारी को आंसर दोगे ना, तो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कितने दिनों के भीतर भीतर, 30 डेज के भीतर, ये आपको आंसर ध्यान में रखना है। लेकिन आपको बोले कि भाई सरकारी कंपनी में अगर आकस्मिक रिक्ति है तो आपको सीएजी आंसर लगाना है 30 दिनों के भीतर, है ना। फिर आगे बोले कि सीएजी असफल हो जाए तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा कब तक, नेक्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक। तो हेडिंग लगाओ धारा 139 सब सेक्शन 8 आकस्मिक रिक्ति। तो पहली लाइन लिखो, आकस्मिक रिक्ति का अर्थ क्या है। हाँ, आराम से।
आकस्मिक रिक्ति का अर्थ तो लिखो, अवधि समाप्त होने के अलावा अन्य किसी कारण से ऑडिटर का पद खाली होता है तो इसे आकस्मिक रिक्ति होने के अलावा अन्य किसी कारण से पद खाली होता है तो इसे आकस्मिक रिक्ति कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? आकस्मिक रिक्ति कहा जाता है। जैसे करके लिख लूं, जैसे पद त्याग मतलब रेजिग्नेशन, जैसे पद त्याग कॉमा पद से हटाना, यह भी आकस्मिक रिक्ति है, पद से हटाना कॉमा दिवालिया होना कॉमा मृत्यु, और लास्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा होता है, जो अंशधारकों के द्वारा पद को न जांचना। यह भी तो आकस्मिक रिक्ति थी, बताया था ना मैं पद को रेक्टिफाई नहीं करते, तो अंशधारकों के द्वारा पद को न जांचना ये भी कैजुअल वैकेंसी होती है। अंशधारकों के द्वारा पद को न जांचना। अब लगाओ हेडिंग सरकारी कंपनी। हाँ, वो मतलब ऑडिटर को पद से हटाने की प्रोसेस है। यहां पे लिखा हुआ है कि आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो हम ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, कौन करेंगे। मतलब 139 खाली आपको अलग अलग अपॉइंटमेंट के तरीके बताएगी। सरकारी कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, गैर सरकारी कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, पहले ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, बाद के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, आकस्मिक रिक्ति के कारण अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, मतलब धारा 139 खाली अपॉइंटमेंट को बताएगा, है ना, कि अलग अलग परिस्थितियों में अपॉइंटमेंट कैसे कैसे की जाती है, कौन कौन अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। फिर 140 में हटाने की प्रक्रिया है कि ऑडिटर को कैसे हटाते हैं, वो रिमूवल ऑफ ऑडिटर है ना। सरकारी कंपनी में, सरकारी कंपनी डेस्क कर दिया क्या, इसमें लिखो अंकेक्षक की नियुक्ति आकस्मिक रिक्ति होने के 30 दिनों के भीतर सीएजी के द्वारा की जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो इसमें, यदि सीएजी यदि सीएजी असफल हो जाते हैं तो अगले
तीस दिनों के भीतर, अगले तीस दिनों के भीतर, तीस दिनों के भीतर संचालक मंडल, संचालक मंडल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, है ना। कितने दिनों के भीतर नियुक्ति की जाएगी? 30 दिनों के भीतर नियुक्ति की जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन में लिख लो, ऐसा अंकेक्षक अगली वार्षिक साधारण सभा, ऐसा अंकेक्षक अगली वार्षिक साधारण सभा, अगली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक, अगली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक रहेगा। ये क्लास क्लासरूम से लाइव है ना। क्वेश्चन देखो, ये क्लास कहां से लाइव है? तो ये क्लास क्लासरूम से लाइव है। कौन से स्थान से लाइव है तो बताऊं मैं, है ना। गोपालपुरा बाईपास पे है, बिल्डिंग का नाम क्या है? हिंडोन हाइट से लाइव है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 101 से लाइव है, ओके। और दूसरा, ये क्वेश्चन मत पूछना कभी कि जो लिखा दिया वो सफिशियंट है ना, है ना। या नोट्स भी मंगवाए कोचिंग से, कहां से मंगाओगे बताओ नोट्स, ठीक है। जो लिखा दिया वो सफिशियंट है, और सफिशियंट क्या, मैं तो ये लाइन बोलने ही वाला था कि देखो यहां थोड़ा सा आपको, वैसे तो सेल्फिश नहीं होना चाहिए लाइफ में, है ना, लेकिन कभी कभार सेल्फिश होना जरूरी है। सीएजी की फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो सेल्फिश नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, तो जरूरत पड़ती है तो सेल्फिश होना भी पड़ता है, है ना। तो आपके कोई खास हो, आपके मित्र हो, आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, तैयारी कर रहा हो, है ना, किसी प्रकार का लेना देना हो, तो भी आपको नोट्स वोट्स ये शेयर करने की जरूरत नहीं है, है ना। फिर डिफरेंस क्या रहेगा, अंतर क्या रहेगा, ठीक है, सोच सकते हो, समझ सकते हो, बाकी सारी चीजों में चलता है, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, अंतर क्या रहेगा, जब सारे एक ही जैसी चीज को पढ़ रहे हैं, है ना, सारे सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, तो फिर डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आप अपने हिसाब से जो पढ़े हैं आपके पास मटेरियल, उसको तैयारी करो। वो अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, उसकी थाली में अगर आपको देखोगे तो आपको घी ज्यादा लगेगा, है ना। वो आपकी थाली में देखेगा तो उसको घी ज्यादा लगेगा, है ना। तो थाली में नहीं देखना है, दूसरे, आपके पास में जो मटेरियल है सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, और फिर भी अगर लगे कि सर हमें चेक तो करना है, तो उससे राय नहीं लेनी है, उससे एडवाइस नहीं लेनी है, चुपचाप मार्केट में जाके चार पांच किताबें उठा के ले आओ, उसमें से वो चैप्टर चारों पांचों किताबों में से खोल के और उसको एक बार फटाफट से मिला लो रजिस्टर से, लगे कि हमारा रजिस्टर भारी है चारों पांचों किताबों से, तो बस। अगर उससे फालतू की एडवाइस लोगे तो वो आपका माइंड वॉश करेगा, दिमाग खराब करेगा, ये भी पढ़ लेते वो भी पढ़ लेते वो भी पढ़ लेते, इसलिए, है ना। यहां कम से कम टेंशन, मेरा एक ही सिस्टम है, यहां कम से कम टेंशन, एकदम दिमाग टेंशन फ्री रहना जरूरी है, तो ही कुछ मिलता है। अगर यहां हजारों टेंशन है ना, हजारों टेंशन है, तो कोई कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं मिलने वाला है, रियल बात है ये, है ना। तो टेंशन फ्री रहा करो, एकदम जो पढ़ा है ना रजिस्टर, उसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, फिर भी जगह लगे कि भाई और किताब चाहिए तो मार्केट से जो गाइड आती है उसको चुपचाप उठा के देख लो, है ना। तो एडवाइस लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चले आगे, सरकारी लिखा है ना, लिखो गैर सरकारी। और कल की जो क्लास रहेगी ना, कल की क्लास जो है वो, कल की क्लास मेरी नहीं रहेगी, कल मनीष सर की क्लास रहेगी, अकाउंटेंसी की क्लास रहेगी, लेखांकन के इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी, परिचय की क्लास रहेगी, मैंने उनको कल का लीव के लिए बोला है, है ना। तो कल अकाउंटेंसी की क्लास रहेगी, ऑडिटिंग की क्लास अलग रजिस्टर में लिखते हुए चलना, अकाउंटिंग की क्लास अलग रजिस्टर में लिखते हुए चलना, उनका नेचर अलग है, मेरा नेचर
अलग है, वो एकदम सीधे साधे, एकदम शांत रहने वाले। ध्यान से आपको सुनना है, हर चीज को बड़े तरीके से एकदम शालीनता से पूछना है, क्योंकि अपन जिस पोस्ट पे जा रहे हैं ना, तो उस पोस्ट पे हमारे से 8 साल पहले पहुंच गए हैं। अब नेक्स्ट HM के अंदर, हेडमास्टर के अंदर उनका होने वाला है, तो एकदम तरीके से सुनना, एकदम शांति से सुनना है। बढ़िया तरीके से आपको अकाउंटेंसी पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। कल और मंडे को, शायद मंडे और ट्यूसडे, दो दिन मैं जोधपुर में क्लास लूंगा, जोधपुर है ना, तो मंडे ट्यूसडे तक, मतलब वीकेंड तक 3 दिन उनकी चलेगी, और फिर 4 से 5 डेज मेरी चलेगी, और फिर हमारे पास में जैसे समय रहता है तो अपन लंबी शिफ्ट के अंदर जैसे 4 घंटे की क्लास कर देंगे, है ना। तो कल अकाउंटेंसी की क्लास लगेगी, समय यही है, शेड्यूल वही है, सब कुछ यही है। हाँ, ना सैटरडे संडे नहीं, अपन मतलब जब वो यहां रहेंगे तब मैं वहां रहूंगा, है ना, और जब मैं वहां रहूंगा वो यहां रहेंगे, लेकिन मैं 3 जगह रहूंगा, मैं यहां भी रहूंगा, वहां भी रहूंगा और दिल्ली भी रहूंगा, लेकिन ज्यादा यहां रहूंगा, है ना, मोस्टली यही रहूंगा। जब जोधपुर जाऊंगा तो वहां पे 2 आवर्स की जगह पे वहां पे 4 to 6 आवर की, मिनिमम 4 से 6 घंटे की वहां पे क्लास चलेगी, लेकिन यहां जब रहूंगा तो हमेशा 2 घंटे की क्लास चलेगी, ठीक है। मतलब वहां 2 दिन के लिए गया तो 6 दिन का कोटा ना, लेकिन ऐसा नहीं है जोधपुर का जो कोर्स खरीद रखा है वैसे मैं समझना कि कोटा, कोटे का मतलब ये है, क्योंकि मैं यहां पर मेरी और भी क्लासेस रहती है तो पूरा दिन भर बिजी रहता है, तो वहां जाऊंगा तो खाली बैठा बैठा रूम में ना बैठा रहूं, तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा पढ़ाने के लिए आऊंगा, है ना, ऐसे मत बोलना सर, कोटा पूरा करने के लिए आप लोगों को ज्यादा पढ़ाऊंगा मैं, 6-6 घंटे पढ़ाऊंगा। वो भी लाइव आती है क्या? आएगी शायद, है ना। तो यही पढ़ाऊंगा लाइव का, क्या करोगे, खाली शर्ट ही बदलेगा, आदि तो वही रहेगा, मैटर तो वही रहेगा। अच्छा हाँ, बाद में आगे जाके हो सकता है कि फायदा मिल जाए, कैसे कि यहां कुछ और टॉपिक स्टार्ट हो गया, वहां कुछ और टॉपिक स्टार्ट हो गया, है ना। गैर सरकारी में लिखूं, गैर सरकारी में अंकेक्षक की नियुक्ति, अंकेक्षक की नियुक्ति 30 दिनों के भीतर भीतर, 30 दिनों के भीतर भीतर किसके द्वारा की जाएगी? संचालक मंडल के द्वारा की जाएगी। अंकेक्षक की नियुक्ति 30 दिनों के भीतर भीतर संचालक मंडल के द्वारा की जाएगी, है ना। 30 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी, आकस्मिक रिक्ति होने के 30 डेज का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। यहां पर दूसरा मौका किसी के पास नहीं है, यहां CAG के पास था, लेकिन यहां पर केवल और केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक नोट डाल के लिख लूं कि यदि यदि आकस्मिक रिक्ति, यदि आकस्मिक रिक्ति त्याग पत्र के कारण, यदि आकस्मिक रिक्ति त्याग पत्र के कारण हुई है, त्याग पत्र के कारण हुई है, तो अंशधारकों के द्वारा, अंशधारकों के द्वारा नियुक्ति के 3 माह के भीतर भीतर, नियुक्ति के 3 माह के भीतर भीतर एक साधारण सभा, एक साधारण सभा रखी जाएगी, एक साधारण सभा रखी जाएगी और अंकेक्षक के पद को, और अंकेक्षक के पद को अनुमोदित, अनुमोदित का मतलब अप्रूव्ड, है ना, अनुमोदित किया
जाएगा। अनुमोदित का मतलब अप्रूव करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अप्रूव करना, अनुमोदित का मतलब अप्रूव करना। एक और नोट लिखो, ऐसा अंकेक्षक अगली वार्षिक साधारण सभा, ऐसा अंकेक्षक अगली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक, ऐसा अंकेक्षक अगली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक रहेगा, है ना। इसको आप 5 साल 6 साल नहीं मिलेंगे, इसको केवल नेक्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक रहना है। अगर ठीक से काम करता है तो हम इसको अपॉइंट कर देंगे अगले 5 वर्षों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉइंटमेंट दोबारा पॉसिबल है, संभव है, ऐसी दशा में, ऐसे केस में पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने थे कैजुअल वैकेंसी के संबंध में। अब एक सेक्शन है 139, सब सेक्शन 9 आपको ध्यान में रखना है। ये सब सेक्शन 9 किसके संबंध में है, ये री अपॉइंटमेंट के संबंध में है। री अपॉइंटमेंट का पुनः नियुक्ति, है ना, पुनः नियुक्ति के संबंध में है। और री अपॉइंटमेंट मैंने आपको बता दिया कि भाई जहां अधिनियम ने मना कर दिया, जहां एक्ट ने मना कर दिया कि भाई एक बार अपॉइंटमेंट कर दी तो अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा, तो वहां पर री अपॉइंटमेंट नहीं है। ये अगर उन 5 साल बीतने के बाद में अगर इसकी बात करें तो क्या री अपॉइंटमेंट पॉसिबल है क्या, तो किसी भी दशा में री अपॉइंटमेंट पॉसिबल है, पुनः नियुक्ति हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। जिन 5 वर्षों के लिए अधिनियम ने मना कर दिया वो री अपॉइंटमेंट वहां तो हो ही नहीं सकती, फिर मना करने का मतलब ही क्या है, रोटेशन का मतलब ही क्या है। तो री अपॉइंटमेंट पॉसिबल है क्या, तो पॉसिबल है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर उसकी री अपॉइंटमेंट भी पॉसिबल नहीं है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, अगर सर वो खुद रिटर्न के अंदर अपनी अनविलिंगनेस का मतलब क्या होता है, अनिच्छा प्रकट कर दी कि भाई इस कंपनी में मैं दोबारा ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं होना चाहता, तो अब उसको रीअपॉइंटमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये एक केस ध्यान में रखना है। दूसरा ये ध्यान में रखना है कि जब 5 वर्ष बीच में आए थे ना, कि यहां 5 वर्ष के लिए वो क्वालिफाइड था, अगले 5 वर्ष के लिए अधिनियम ने मना कर दिया, फिर हम रीअपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो इन 5 वर्षों में कहीं डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं आ गई, इन 5 वर्षों में कहीं कंपनी में उसका कोई हित तो नहीं हो गया, या उसके रिलेटिव्स जो है या उसके पार्टनर जो है उनका कंपनी से कोई हित तो नहीं है, मतलब बीच में किसी भी प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन अगर आ जाती है, अयोग्यता आ जाती है, तो हम उसकी वापस पुनः नियुक्ति नहीं करेंगे। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन आ जाए तो उसकी वापस पुनः नियुक्ति नहीं होगी। और नंबर 3rd पॉइंट ध्यान में रखना है, यदि उसे जब पद से हटाया था तो यहां पर स्पेशल रेजुलेशन पास करके हटाया और ये कहा कि हम तुम्हारी दोबारा पुनः नियुक्ति नहीं करना चाहते, तो अंशधारकों के द्वारा अगर विशेष प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटाया गया है तो ऐसे ऑडिटर को दोबारा वापस कभी रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। मतलब 3 परिस्थितियां ऐसी है, 3 सिचुएशन ऐसी है जहां पर रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। इनके अलावा जितनी भी सिचुएशन है, मतलब रीअपॉइंटमेंट तो किया जा सकता है, पुनः नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में उसे पुनः नियुक्त नहीं करेंगे। पहला, यदि वह स्वयं लिखित में अनिच्छा प्रकट कर दे, दूसरा वो किसी प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, और तीसरा अंशधारकों के द्वारा उसे विशेष प्रस्ताव पारित करके हटाया गया था तो अब दोबारा उसे पुनः नियुक्त नहीं करेंगे। बाकी सर सामान्य परिस्थितियों में उसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है। सेक्शन कौन सी है, 139 सब सेक्शन 9 आपको ध्यान में रखना, दोबारा बताता हूं, है ना। देखो 139 सब सेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ है कि भाई ऑडिटर को निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर वापस पुनः नियुक्त किया जा सकता है। मतलब सामान्य प्रोविजन तो यही है कि भाई ऑडिटर को कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको छोड़कर वापस पुनः नियुक्त कर सकते हैं।
कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति कि वो ऑडिटर खुद क्या करता है, अपनी रिटर्न में अनिच्छा प्रकट कर देता है, कंपनी को बोल देता है कि भाई अब मैं तुम्हारी कंपनी के अंदर दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आना चाहता, तो हम उसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे। दूसरा, उस ऑडिटर को कभी हटाया होगा तो हटाने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया अगर अंशधारकों के द्वारा, तो हम उस ऑडिटर की रीअपॉइंटमेंट का नहीं सोचेंगे। तीसरा, अगर सर कहीं पर भी उसके पास में डिस्क्वालिफिकेशन है, कोई अयोग्यता है, तो इस अयोग्यता के चलते उसे हम रीअपॉइंटमेंट नहीं देंगे। तो बाकी हर सिचुएशन के अंदर उसको पुनः नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन रीअपॉइंटमेंट कब है कि वो 5 वर्ष खत्म होने के बाद में, तो ये ध्यान में रखना। लिखो, हेडिंग लगाओ 139 सबसेक्शन 9, पुनः नियुक्ति है ना, रीअपॉइंटमेंट के संबंध में है पुनः नियुक्ति। तो लिखो, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर अंकेक्षक को, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर अंकेक्षक को, अंकेक्षक को पुनः नियुक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर अंकेक्षक को पुनः नियुक्त किया जा सकता है, जिसमें पहला पॉइंट कौन सा है, अंकेक्षक के द्वारा, अंकेक्षक के द्वारा लिखित में, अंकेक्षक के द्वारा लिखित में अनिच्छा अनविलिंगनेस, ऐसे अनिच्छा अनविलिंगनेस, अनिच्छा प्रकट कर दी हो, है ना, अनिच्छा प्रकट कर दी हो। नंबर सेकंड, क्या है कि, है ना, अंशधारकों के द्वारा उसे विशेष प्रस्ताव पारित करके, पद से हटाया गया हो, और नंबर थर्ड, किसी अयोग्यता के कारण, कोई अयोग्यता आ जाए, कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ जाए किसी अयोग्यता के कारण, ठीक है, तो इन तीन परिस्थितियों को छोड़कर वापस पुनः नियुक्त कर सकते हैं। तो ये थी 139 सबसेक्शन 9, और 139 सबसेक्शन 9 के जैसी ही सेक्शन है 139 सबसेक्शन 10, ये है ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का मतलब होता है स्वतः पुनः नियुक्ति ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। बस ये केवल प्रोविजन है, ये केवल प्रावधान है, है ना। इस प्रावधान को आप उससे जोड़ सकते हो, जैसे पहला ऑडिटर है ना, कि जो पहला ऑडिटर है उसको अपन अपॉइंट करते हैं, जैसे 60-30-60 का प्रोविजन, और फर्स्ट एजीएम के निष्कर्ष तक वो रहता है, है ना, और उस एजीएम के निष्कर्ष में कोई नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ना हो पाए, है ना, या वेल क्वालिफाइड ऑडिटर ना मिल पाए कोई भी कारणवश हो, तो हम उस ऑडिटर को ही क्या मान लेते हैं, ऑटोमेटेड रीअपॉइंटमेंट
मान लेते हैं। मतलब किसी अंकेक्षक के, है ना, कोई भी ऑडिटर है, उस ऑडिटर के जिस साधारण सभा में रिटायरमेंट होता है, जहां उसको हटाया जा, हाँ, रिटायरमेंट का मतलब सेवा निवृत्त होता है ना, और उस साधारण सभा में अगर कोई बढ़िया ऑडिटर नहीं मिल पाता है, तो ऐसी दशा में हम उसे क्या कर लेते हैं, ऑटोमेटेड रीअपॉइंटेड मान लिया जाता है, या पुराने अंकेक्षक को ही हम क्या मान लेते हैं, रीअपॉइंटेड मान लेते हैं। लेकिन ये केस ऐसा नहीं है कि भाई 5 साल तक उसने काम किया, 5 साल तक काम किया, अब इस 6th AGM में उसको जाना था, इस 6th AGM में अगर योग्य नहीं मिला तो आगे 5 साल और मिल जाएंगे, ये ऐसा प्रोविजन नहीं है। मतलब जैसे मान लो कि कोई कैजुअल वैकेंसी हुई, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, संचालक मंडल, एक ऑडिटर लेकर आता है, ये कहां तक रहता है, नेक्स्ट AGM के कंक्लूजन तक रहता है, अगली वार्षिक साधारण सभा। और इस अगली वार्षिक साधारण सभा में अगर नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ना की जाए, तो इस ऑडिटर को हम क्या कर लेते हैं, ऑटोमेटेड रीअपॉइंटेड मान लेते हैं। लेकिन ये अधिनियम से ऊपर नहीं जाएंगे, जैसे बीच के 5 वर्ष, तो इसमें 5 वर्ष काम कर लिया तो 5 वर्ष के लिए डिस्क्वालिफाइड है, मतलब उसमें वापस नियुक्त नहीं होता उन 5 वर्षों के लिए। और ऑटोमेटेड का मतलब है कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पर ऑडिटर नियुक्त ना हो पाए, तो आप पुराने वाले ऑडिटर को ही क्या कर लो, पूर्ण नियुक्त मान लिया जाता है। तो यहां पर सब सेक्शन 10 में लिखना, यदि यदि किसी कारणवश, यदि किसी कारणवश किसी वार्षिक साधारण सभा में, यदि किसी कारणवश किसी वार्षिक साधारण सभा में, वार्षिक साधारण सभा में नए ऑडिटर की नियुक्ति, नए ऑडिटर की नियुक्ति नहीं की जाती है, नए ऑडिटर की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो सेवानिवृत्त जो रिटायरिंग है अंकेक्षक को पुनः नियुक्त की जगह स्वतः लिखो, स्वतः पुनः नियुक्त मान लिया जाता है। एक प्रोविजन है कि ऑटोमेटेड रीअपॉइंटमेंट, अगर किसी वार्षिक साधारण सभा में नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ना हो पाए, तो हम पुराने ऑडिटर को ऑटोमेटेड रीअपॉइंटेड मान लेते हैं। ये सब सेक्शन 10 है, और इसकी एक आखिरी सब सेक्शन है 139 सब सेक्शन 11। इसमें केवल इतना सा कहा हुआ है कि भाई जहां अगर किसी कंपनी को ऑडिट कमिटी बनानी जरूरी है, और ऑडिट कमिटी जो बनती है वो धारा 177 के अनुसार बनती है, तो जहां ऑडिट कमिटी बनानी जरूरी है ना, या ऑडिट कमिटी बनाई जाती है, तो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के संबंध में इस ऑडिट कमेटी का भी आपको क्या कर लेना चाहिए, रिकमेंडेशन ले लेनी चाहिए, सुझाव ले लेना चाहिए। यह लिखा हुआ है 139 सब सेक्शन 11 में, एक ही लाइन लिखी हुई है, इसको भी लिख लो, 139 सब सेक्शन 11। इसमें लिखा हुआ है डैश करके, यदि यदि कंपनी को, यदि कंपनी को अंकेक्षण समिति, यदि कंपनी को अंकेक्षण समिति रखना अनिवार्य है, तो अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में अनिवार्य है, तो अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में इस समिति की
सुझावों को माना जाएगा, मतलब रिकमेंडेशन ले लेनी है। ऑडिट कमेटी का काम ही क्या है भाई, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के संबंध में रिकमेंडेशन देना, वित्तीय विवरणों के संबंध में रिकमेंडेशन देना, ये तो हम जब धारा 177 पढ़ेंगे ना, उस धारा 177 के अंदर कौन कौन सी कंपनियां है ना, कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है, वो अपन धारा 177 के अंदर देखते हुए चलेंगे। ऑडिट कमेटी के अंदर कितने डायरेक्टर्स होंगे, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, और इस ऑडिट कमेटी का क्या कार्य है। बस यहां सब सेक्शन 11 में लिखा हुआ है कि भाई ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के संबंध में है ना, नियुक्ति के संबंध में कोई सा भी प्रोविजन है, चाहे फर्स्ट ऑडिटर है, चाहे सबसिक्वेंट ऑडिटर है, चाहे कैजुअल वैकेंसी के कारण है, अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है, अंकेक्षण समिति है, तो उनकी सिफारिशों को भी आपको मान लेना चाहिए। उनकी कोई रिकमेंडेशन है, कोई सुझाव है, तो उस सुझाव को भी आपको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए हम इस कमेटी को बनाया है, इस कमेटी को हमने तैयार किया है। तो रिकमेंडेशन देने का काम करती है, सुझाव देने का काम करती है, और ये मैंने सेक्शन 139 को पूरा कंप्लीट करा दिया है। एक बार सरसरी नजरों से पढ़ लो, फिर अपन चलते हैं धारा 140 की तरफ। फटाफट से देख लो, आराम से देख लो, पढ़ो। मेरे साइन नहीं करवाते तुम लोग, जब ऑडिटर मिल जाता है ना, योग्य ऑडिटर मिल जाता है, क्वालिफाइड मिल जाता है, तो बस अपॉइंटमेंट उसकी हट जाएगी, वापस नए ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। ये बस एक प्रोविजन होता है कि सिचुएशन ऐसी है ना कि उसका टेन्यूअर खत्म नहीं हुआ है ना, टेन्यूअर खत्म नहीं हुआ मतलब 5 साल की अवधि उसने नहीं निकाली है, तब तो आगे कंटिन्यू करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका टेन्यूअर खत्म हो चुका है, अवधि खत्म हो चुकी है, तो ऐसी दशा में क्वालिफाइड ऑडिटर मिल जाएगा, उसको हम आगे ले जाएंगे। मतलब ये एक तरीके के प्रोविजन बना के छोड़ देते हैं, कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाए, ऐसी परिस्थिति हो जाए कि हमें नया ऑडिटर ना मिले तो हम क्या करें, तो प्रोविजन बना देते हैं कि हम पुराने ऑडिटर को ऑटोमेटेड रीअपॉइंटेड मान लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5+5 10 साल तक चलेगा, है ना, उसका टेन्योर उसे 5 साल के बाद में रोटेशन तो करना ही पड़ेगा, चेंज तो होगा ही होगा, है ना। मेरे से साइन क्यों नहीं करवाते, चलो आगे चले, पढ़ लो आराम से पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। फर्म एलएलपी पार्टनर वाले के बारे में देखो, फर्म कंपनी अधिनियम 2013 में जहां फर्म लिखा हुआ है ना, तो वहां पर फर्म का मतलब इंक्लूडिंग एलएलपी भी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी है, मतलब किसी सीमित दायित्व वाली साझेदारी को हम ऑडिटर के रूप में अपॉइंट करते हैं ना, तो वो भी 2 टर्म के लिए, 2 अवधि के लिए अपॉइंट होता है, और आगे के 5 वर्षों के लिए डिस्क्वालिफाइड रहता है। तो ये है फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। बड़ी सेक्शन है 139 धारा 139, क्वेश्चन आने का उतना ही चांसेस है। अपॉइंटमेंट के संबंध में डेज जरूर आप ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, 9 में ये मतलब सिचुएशन बताई है मैंने, इनके अलावा कोई अगर कोई अदर, ये परिस्थितियां हैं, मैंने बोला कि इन निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर बाकी जितने भी सिचुएशन है, बाकी जितने भी परिस्थितियां हैं, तो रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। आपने
तो ये तो कैजुअल वैकेंसी है या आकस्मिक रिक्ति है। अगर विशेष प्रस्ताव पारित करके हटाया तो नहीं आएगा, है ना, उसके पद को रेक्टिफाई नहीं किया, पद को दोबारा नहीं जांचा है, किस कारण से नहीं जांचा है, है ना, क्या उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन आई होगी इसलिए पद को नहीं जांचा, वो डिस्क्वालिफिकेशन दूर कर लेता है तो रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, और डिस्क्वालिफिकेशन दूर नहीं होती है तो रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। देखो नेक्स्ट है धारा 140। ये धारा 140 है किसके संबंध में, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग स्पेशल नोटिस। मतलब सर ऑडिटर को पद से हटाना, ये किसके संबंध में है, ऑडिटर को पद से हटाना, ऑडिटर को पद से हटाना व पद त्याग, मतलब खुद रिजाइन देके जाता है, पद त्याग और विशेष नोटिस एंड गिविंग स्पेशल नोटिस, और विशेष नोटिस, ऑडिटर को पद से हटाना रिमूवल ऑफ ऑडिटर, है ना, पद त्याग मतलब रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर एंड गिविंग स्पेशल नोटिस और विशेष नोटिस उसे देना, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसके संबंध में है, धारा 140 में है। इसमें से देखो पहले है ऑडिटर को पद से हटाना, ऑडिटर को पद से किस तरीके से हटाया जाता है इसके संबंध में प्रोविजन सुनना कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो है वो ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन चेक करती है, फिर शेयर होल्डर्स एजीएम में अपॉइंट करते हैं, तो बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। और यहां पर उसे हटाने की जो प्रोसेस है, उसको पद से हटाने की प्रोसेस, इसके संबंध में ही इतनी ही बड़ी प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है, इतनी बड़ी प्रक्रिया को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। कैसे, अगर शॉर्ट ऑप्शन दे रखा है ना, तो यहां पर ऑडिटर को पद से हटाया जाता है या ऑडिटर को पद से किसके द्वारा हटाया जाता है, तो जिसने अपॉइंट किया है तो वही आपको आंसर लगाना है, अंशधारकों के द्वारा ऑडिटर को पद से हटाया जा सकता है, है ना। फिर दूसरा सर ऑडिटर को पद से कैसे हटाया जाता है, तो साधारण सभा में अंशधारकों के द्वारा ऑडिटर को पद से हटाया जाता है, जनरल मीटिंग में हटाया जाता है, और साधारण सभा में ऑडिटर के द्वारा स्पेशल रेजुलेशन पास करके विशेष संकल्प पारित करके ऑडिटर को उसके पद से हटाया जाता है, है ना। फिर उसके बाद में कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेकर अंशधारकों के द्वारा साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके ऑडिटर को पद से हटाया जाता है। तो जैसा ऑप्शन है, जैसा विकल्प है, पद से हटाने का मौका किसके पास है, अंशधारकों के द्वारा। कौन सी मीटिंग में हटाते हैं, साधारण सभा में। इसके लिए प्रस्ताव कौन सा पास होता है, विशेष प्रस्ताव पारित करके, और विशेष प्रस्ताव पारित करके या मीटिंग रखने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। तो केंद्र सरकार की अनुमति लेके साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके ऑडिटर को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ऑडिटर को उसके पद से हटाने से पहले उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दिया जाना जरूरी है। इसका मतलब है कि उसे उचित सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, है ना, कि भाई उसे पद से हटा रहे हैं तो उसे उचित सुनवाई का मौका दिया जाना जरूरी है। तो ये चार पांच पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसकी प्रोसेस जो है, इसकी प्रक्रिया जो है, वो देखो ऐसे है कि कुछ स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कुछ चरण बना रखे हैं, अधिनियम में तो नहीं बना रखे लेकिन आप लोग बना लेना। स्टेप क्या क्या बना रखे हैं कि भाई जिस ऑडिटर को पद से हटाना
है ना, उसके संबंध में सबसे पहले क्या की जाएगी, एक बोर्ड मीटिंग रखी जाएगी, एक संचालक मंडल की सभा रखी जाएगी, बोर्ड सभा का आयोजन होगा, एक संचालक मंडल की सभा को रखा जाएगा। और इस बोर्ड सभा के अंदर जिस ऑडिटर को पद से हटाना है उसके संबंध में डिस्कशन किया जाएगा, उसके संबंध में परामर्श किया जाएगा। और इनमें से अगर अधिकांश, अधिकांश का मतलब समझते हो, आधे से अधिक, मेजोरिटी जिसको कहा जाता है, अगर इनमें से अधिकांश निदेशक जो है, अगर अधिकांश निदेशक क्या हो जाए, एग्री हो जाए, अधिकांश निदेशक सहमत हो गए, सहमत होने पर तब तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर निदेशक सहमत नहीं हुए तो वो अपने पद पर कंटिन्यू रहेगा। तो जिस ऑडिटर को पद से हटाना है उसके संबंध में सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग रखी जाएगी, और उस बोर्ड मीटिंग में अधिकांश निदेशक सहमत होने पर, है ना, सहमत होने पर, या यहां पर जो बोर्ड रेजुलेशन पास हुआ है, एक बोर्ड संकल्प पारित हुआ है, इस बोर्ड संकल्प पारित होने के यहां 30 डेज के भीतर भीतर, कितने दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर भीतर यहां पर क्या किया जाएगा, केंद्र सरकार के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास कारण सहित कि हम इस ऑडिटर को पद से क्यों हटा रहे हैं, कारण सहित, और साथ में जो बोर्ड संकल्प पारित हुआ है इस बोर्ड संकल्प की कॉपी लगाकर केंद्रीय सरकार के पास में किस लिए भेजा जाएगा, सहमति के लिए भेजा जाएगा कि आप हमें अप्रूवल दे दो, हम इस ऑडिटर को पद से हटाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया, आयोजन है वो, है ना, बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया, और बोर्ड मीटिंग के आयोजन में यहां पर मेजोरिटी डायरेक्टर ने बोल दिया कि भाई हटाना है, तो यहां पर बोर्ड रेजुलेशन पास होने के या मीटिंग के 30 दिनों के भीतर भीतर केंद्र सरकार के पास में क्या करना है, यहां पर इस के रीजन की हम इसे क्यों हटा रहे हैं, और इसके संबंध में हमने ये रेजुलेशन भी पास कर दिया है, तो ये कॉपी अटैच की जाती है। और फिर उसके बाद में अगर केंद्र सरकार को लगता है कि केंद्र सरकार के सहमति पर, अगर केंद्र सरकार को लगता है कि भाई इस ऑडिटर को पद से हटाया जाना चाहिए, रीजन सही है, तब तो आगे प्रोसेस चलेगी, और केंद्र सरकार को लगता है कि हटाने की जरूरत नहीं है तो वो फिर क्या करेगा, कंटिन्यू, है ना, फिर ऑडिटर क्या करेगा, आगे चलता रहेगा। तो केंद्र सरकार ने क्या दे दी है, अप्रूवल दे दी है, तो सहमति पर क्या किया जाएगा, यहां पर एक साधारण सभा का आयोजन किया जाएगा, साधारण सभा का आयोजन, और वो कितने दिनों के भीतर भीतर किया जाएगा, 60 डेज के भीतर भीतर, 60 दिनों के भीतर भीतर, केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के 60 दिन के भीतर भीतर एक साधारण सभा का आयोजन किया जाएगा। और ये साधारण सभा का आयोजन कौन है सर, साधारण सभा में शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर की मीटिंग हो गई है, और इस साधारण सभा के अंदर अगर विशेष प्रस्ताव पारित हो गया, ये विशेष प्रस्ताव, तो विशेष प्रस्ताव पारित करके यहां पर क्या किया जाएगा, ऑडिटर को पद से हटाया जाएगा। तो प्रोसेस तो ये है पूरी कि ऑडिटर को पद से कैसे हटाया जाता है, तो अपने को स्टार्ट ऐसे देखना है कि ऑडिटर को पद से कैसे हटा रहे हैं, विशेष प्रस्ताव पारित करके, है ना, कहां पर, साधारण सभा में, किसके द्वारा, अंशधारकों के द्वारा, लेकिन पहले हम केंद्र सरकार की अनुमति भी साथ में लाए हैं, तो केंद्र सरकार की अनुमति लेके साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके ऑडिटर को उसके पद से हटाया जा सकता है। और विशेष प्रस्ताव पारित करने से पहले उसे एक बार क्या करना चाहिए, उचित सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक है। तो क्वेश्चन तो सीधा ही पूछेगा कि ऑडिटर को पद से हटाया जाता है तो अंशधारकों के द्वारा, है ना, फिर ऑप्शन बड़ा दे दे,
तो साधारण सभा में अंशधारकों के द्वारा या अंशधारकों के द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके और फिर केंद्र सरकार को जोड़े, तो केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से अंशधारकों के द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके। तो प्रोसेस तो यह है, पूरी प्रक्रिया ऐसे हटाना है, लेकिन आपको आंसर विशेष प्रस्ताव, क्योंकि ऑप्शन चार ही होंगे। देख लो पेपर, देख लो पैटर्न जो छपने का तरीका होता है ना, देख लो एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, तो कोई सा भी क्वेश्चन ऐसे देख लो उठा के, तो कोई सा भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जिसके अंदर ऑप्शन ऐसे है, है ना, जिसके अंदर तीन तीन चार चार लाइंस की जरूरत पड़ी है क्या? नहीं है ना, तो एक एक लाइन के ऑप्शन होते हैं, मोस्टली डेढ़ दो लाइन के चले जाए तो चले जाए, तो विशेष प्रस्ताव पारित करके या अंशधारकों के द्वारा इतना ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला बस आपको मैंने स्टेप बता दिया है यहां तक, है ना, लेकिन कंक्लूजन ये है इसका, छाप लो इसको फटाफट से छाप लो। हाँ, इसमें मतलब सरकारी है गैर सरकारी है, इसमें सब कुछ ही लिखा हुआ है, कोई अलग से प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है, बस यहां पर केंद्र सरकार के पास अप्रूवल के लिए, केंद्र सरकार का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के पास अप्रूवल के लिए जो भेजा जाता है, इसके लिए फॉर्म लगता है एडीटी दो नंबर फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है? एडीटी दो नंबर फॉर्म। एक नंबर फॉर्म तो अपॉइंटमेंट के संबंध में है और दो नंबर फॉर्म किसके संबंध में है? दो नंबर फॉर्म ऑडिटर को पद से हटाने के संबंध में। तो ये पूरी प्रोसेस आपको लिखना है।